शुक्र है भगवान का कि अब कम से कम ये केशव यहां से चला तो जाएगा। क्या केशव के यहां से चले जाने से तुम्हें खुशी मिलेगी? हाँ सही। लेकिन क्यों? क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि केशव को शराब की इतनी लत लग जाए कि वो एक दिन भी बिना शराब पिए ना रह पाए? जब तक तुम्हें केशव से उसकी लत से फायदा होता रहा, तुम उसे शराब पीने और पिलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन आज जब तुम्हें केशव से तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी, तो तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो। क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे इस व्यवसाय से, इस व्यापार से केशव की जिंदगी बर्बाद हो रही है? यहां आने वाले सारे लोगों का जीवन खराब हो रहा है इससे? क्या तुमने कभी उन लोगों के बारे में सोचा जो यहां आते हैं और दिन भर शराब पीते रहते हैं, अपने सारे काम धाम, अपनी मेहनत मजदूरी छोड़कर? क्या तुम कल्पना भी कर सकते हो कि उनके इस शराब पीने की लत से उनके परिवार पर, इस समाज पर क्या बीतती है? और फिर तुम्हारा भी तो एक लड़का है। हाँ साई, लेकिन आपको कैसे मालूम? सोचो, अगर तुम्हारे बेटे को कल शराब पीने की लत लग गई, शराबी हो गया वो, तो कैसा महसूस करोगे तुम? अगर कल तुम्हारा बेटा किसी शराब की भट्टी पर पड़ा रहेगा, शराब के नशे में धुत, तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? कभी सोचा है तुमने? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं इतना कठिन परिश्रम इसलिए करता हूं कि उसे एक अच्छा जीवन मिल सके, और ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा रोजगार है जिसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है साईं। वाह, मतलब तुम लोगों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए, उनके घर परिवार को उजड़ते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहिए, अपने जीवन में सुखी सुख चाहते हो, अपने जीवन को दुखों से अछूता रखना चाहते हो तुम। मैं इस दुकान को बंद कर दूंगा साईं, मैं इसे बंद कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे कारोबार का पैसा। माफ कर दीजिए साईं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़े, उनके जीवन में अशांति आए। मेरे व्यवसाय की वजह से लोग मुझे बद्दुआ दे, मैं ये नहीं चाहता हूं साईं। मैं सुकून के साथ जीना चाहता हूं साईं, रात को शांति से सोना चाहता हूं, मेरे बेटे का जीवन शापित ना हो, मैं ये चाहता हूं। इसलिए मैंने सोच लिया है साईं कि मैं आपसे दारू नहीं बेचूंगा। अब मैं नया व्यवसाय करूंगा, अब मैं यहां पर मसाला दूध बेचूंगा साईं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई राम जी भला करें। अब तुम्हें भी अपने वाड़े वापस जाना चाहिए, घर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही है।
मेरे वाड़े में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? गए तो थे बड़े अकड़ के, दो दिन में अकड़ ढीली पड़ गई। अब पता चला तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी औकात कुलकर्णी सरकार से है, कुलकर्णी सरकार से। और क्या सोच के आए हो? सराय है ये? जब जी चाह चले गए, जब जी चाह वापस आ गए, और कुलकर्णी सरकार तुम्हें आने देंगे? माँ, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आज से शराब, सारे बुरे काम सब छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे बहुत याद आई आपकी। हाँ ठीक है ठीक है, और अब जब तुमने चूक सुधार ली है तो मेरे वाड़े में रह सकते हो तुम। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। बताओ क्या खाओगे तुम? पूरन पोली। हाँ भी बना के लाती हूँ। साई, केशव के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि वो लंदन गया था। क्या आपने बच्चे को खुद से दूर भेजना सच में गलत बात है? नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। तूने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो सुना ही होगा, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का दिन नहीं है बल्कि वसुदेव जैसे महान पिता के सम्मान का दिन भी है। ये जिन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए उसे खुद से दूर कर दिया था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं और इसके लिए वो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार ये उम्मीदें, ये अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बच्चों को अपने अहंकार की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो माँ बाप ये सब बच्चे की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, खुद को श्रेष्ठ करने के लिए कर रहे होते हैं। और बच्चा उनकी हसरतों में, उनकी ख्वाहिशों में कहीं गुम हो जाता है, भटक जाता है वो।
अच्छा निकला तो फिर साई के दिए इस पत्थर की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। इसे तो मैंने फेंक दिया था, तो फिर ये वापस यहाँ कैसे आया? पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। अज्ञान तिमिर से ज्योतिष भंग कर साई राम। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ मेरे साई। तुम ग्रामोफोन के साथ क्या कर रहे हो? ये वही ग्रामोफोन है ना पिताजी, जिसे साई ने तोड़ दिया था। तो फिर ये बन कैसे गया? वो तुम्हारे जाने के बाद मैंने मरम्मत कराई थी इसकी। झूठ! तब भी आप झूठ बोल रहे थे और अब भी आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी। हरि ओम, मेरे ही घर में मुझे झूठा कहने का साहस कहां से आ गया तुम्हें केशव? सच बोलने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती है पिताजी, वो तो खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे सारा सच पता चल गया है। साई ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। साई तो तुम्हें सब साई ने बताया, वो फिर से तुम्हें भ्रमित कर रहा है जैसे बचपन में किया करता था। मुझे अंदेशा था कि वो ऐसा ही करेगा। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं पिताजी, सही और गलत के बीच में क्या फर्क होता है पता है मुझे। और साई ने क्या किया ये याद है आपको, लेकिन क्या आपको ये भी याद है कि आपने क्या किया है मेरे साथ? जो तुम्हारे लिए अच्छा था वही किया मैंने। और सुनो केशव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उस बैरागी से कभी मिलने नहीं जाओगे। अगर गए तो जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, मैं रोज द्वार कमाई जाऊंगा साई से मिलने। जैसा मैंने आपसे कहा पिताजी कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूं, अपनी भलाई मैं खुद देख सकता हूं और मुझे साई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साई के साथ ही रहूंगा। फैसला कर लीजिए। अंता,
ये सुनिश्चित करो कि खेतों में सिंचाई हो रही है कि नहीं। हरिओम। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। अभी छींकना था तुम्हें? बहुत ही महत्वपूर्ण काम से जाना था मुझे, अपशकुन कर दिया तुमने। चलो। सत्यानाश होते रहा, तेरे कारण मुझे विलंब हो रहा है। माफ करना सरकार, अभी मुंह धो के आया। आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साईं के साथ ही रहूंगा। ए पाखंडी, मेरे वाड़े के सामने आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने और मेरे आदमी को पानी पिला रहा है? तो कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे परिवार से और मेरे सेवकों से दूर रहा कर। तो मैं तुझ पर दया दिखा रहा हूं और तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं तो तेरे से पर निकल आए। इन मूर्ख गांव वालों को तूने मेरे विरुद्ध किया, वैसे ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। मुझसे दूर करने में सफल हो गया तू, यही सोच रहा है ना तू? लेकिन स्मरण रहे, वो मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा। आज नहीं तो कल उसे सत्य का पता चल जाएगा। सत्य कभी छुपता नहीं है बैरागे। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य कभी नहीं छुपता। और ये जानने के बाद भी हम अपने अहंकार के कारण उसे देख नहीं पाते हैं, झूठ का आवरण खींचते रहते हैं उस पर। और कई बार हम अपने असत्य को इतना ज्यादा जी लेते हैं कि वही हमारा सच यथार्थ बन जाता है हमारा। और जब ये भ्रम टूटता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुनियाद हिल जाती है हमारी, हमारे अस्तित्व का प्रश्न उठ जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। तू तो बड़ी सहजता से इसे समझ लेता होगा बैरागी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ये सब बहुत बार हो चुका है। हरिओम। हाँ, ये सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, बहुत बार हो चुका है। किसी भी अनुभव से अछूता नहीं हूं मैं, क्योंकि ये संसार मेरा ही अंश है और मैं इस संसार का। लोगों के कष्ट स्पंदित होते हैं मेरे अंदर, ठीक वैसे ही जैसे उनके सुख स्पंदित होते हैं। हो रहा है तो बैरागी नहीं, साक्षात ईश्वर है ईश्वर। और मैं पार्थ अर्जुन और आप विश्वरूप दर्शन देते भगवान कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। हरिओम हरिओम। आपको भी सबके अंदर ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे अगर आप अपना हृदय सबके लिए खोलते हैं तो।
इन सब में आपको ईश्वर दिखेगा, समदर्शी हो जाएंगे आप, और समदर्शी होना दिव्यता का प्रतीक है, अहम शून्यता का प्रमाण है। यात्रा लंबी है, अभी शेष भी है, पर गंतव्य तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, आरंभ कहीं से तो करना ही पड़ेगा। चलो, जाकर किराना ले आती हूं, फिर हम दोनों मिलकर कंबल बनाएंगे, और हां उसके बाद अगर आप चाहे तो थोड़ी देर साई से भी मिल लीजिएगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कावेरी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, साई ने कहा है तो मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। भगवान का शुक्र है कि आप काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने साई से मदद मांगने के लिए, और देखिए साई ने मदद की। क्या कहा तुमने? अब्दुल ने तुम्हें कहा था साई के पास जाने के लिए? हाँ, उनके कहने का मतलब। अरे उसके कहने का मतलब क्या है मैं जानता हूं, मेरा शक अब यकीन में बदल गया। मुझे उसी समय समझ जाना चाहिए था कैसी घटिया हरकत वही कर सकता है। रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं, उन्होंने तो अब्दुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुकिए, कब तक आएंगे साईं? हाँ, हमें शाम होने से पहले लौटना भी है। हम बहुत दूर से आए, कब तक आएंगे साईं? हाँ, कब तक आएंगे? सबूरी रखिए, साईं आते ही होंगे, और कृपा करके आप जिस क्रम में आए थे उसी क्रम में कतार बनाकर एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है। बेटा यहाँ के खड़े हो जाओ। अरे आ जाओ। नहीं आऊंगा मैं। अरे बिट्टू, अरे रुक। नहीं आऊंगा मैं। रुक बिट्टू, बिट्टू रुक, रुक बेटा। मैं नहीं आऊंगा। रुक। अब यहाँ ऐसे ही रहना है। अरे बिट्टू, रुक बिट्टू, रुक। अरे अरे, बहुत शरारती है तू, आपका बेटा काफी चंचल है। चलो बेटा वहां जाकर आई के साथ पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं पानी भरकर लाता हूं, तब तक आप लोग इसी तरह क्रम में खड़े होकर साई का इंतजार कीजिएगा। आप बेफिक्र होकर जाइए, कतार नहीं टूटेगी। शुक्रिया। ये अब्दुल तो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे द्वारका माई इसकी निजी संपत्ति हो। भाई साहब कहां जा रहे हैं आप? द्वारका माई में। हम लोग भी साई से ही मिलने आए हैं, और तुमसे पहले से खड़े हैं, किसी को इलाज कराना है तो किसी को सलाह लेनी है, और तुम आए देर से और सीधा अंदर घुसे जा रहे हो। चलो कतार के आखिरी में जाकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ना तो मुझे कोई समस्या है और ना मैं इलाज कराने आया, मैं तो बस साई से। चाहे कुछ भी हो जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, अगर साई से मिलना है तो आपको पंक्तिबद्ध होना ही पड़ेगा। किसने कहा है तुमसे? वो साई का सेवक है ना अब्दुल, उनका आदेश है। वो कौन होता है ये कतार लगाने वाला? भाड़ में गई ये कतार, भाड़ में गए उसके नियम। मैं साई से कभी भी मिल सकता हूं। ये क्या जबरदस्ती है, ऐसे कैसे मिल सकते हो तुम? जाओ कतार में सबसे पीछे जाकर खड़े हो जाओ। अरे हम लोग क्या पागल है?
जो कतार में खड़े? हाँ, तुम लोग पागल हो। मैं जो कह रहा हूँ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? मुझे साई से मिलने के लिए किसी भी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने दो। साई के सेवक अब्दुल ने साफ साफ कहा है कि कतार नहीं टूटेगी, और तुमने क्या कहा? हम लोग पागल हैं? कौन पागलों की तरफ पेश आ रहा है वो सब यहाँ देख रहे हैं। अरे भाई साहब, आप एक तो भाई साहब कहता है और पीठ में छुरा भी घोपता है, ये सब तेरी चाल है ना? पहले तूने कावेरी को भड़काया ताकि मैं घर से बाहर ना निकल पाऊं, उसके बाद भी तुझे संतोष नहीं हुआ, तू इतना गिर गया कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उकसाने लगा ताकि मैं द्वारका माई के अंदर ना जा पाऊं। नहीं भाई साहब, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि वो आपको द्वारका माई के अंदर जाने से रोके। आप शांत हो जाइए, ये लोग तो आपको जानते भी नहीं है कि आप कौन है। लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तू जानता था कि तू सीधे सीधे मुझसे नहीं जीत सकता, इसलिए तूने ऐसी गंदी चाल चली, धोखा किया तूने मेरे साथ, और शिरडी में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। जा यहां से। ये आपस में से झगड़ क्यों रहे? आखिर क्या बात है? आपस में लड़ना बुरी बात है ना? साईं, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये मुझ पर चिल्ला रहे थे, फिर भी मैं खामोशी से सुनता रहा। ये मुझसे बड़े हैं, इसलिए उन्हें हक है मुझ पर नाराज होने का, लेकिन इन्होंने मेरी खामोशी को मेरी बुद्धि से समझा और मुझे धक्का देने लगे। फिर भी मैं चुप रहा, और एक दफा मैंने अपना बचाव क्या किया तो ये गिर गया, तो इन्होंने मुझे मारने के लिए लकड़ी उठा ली, तो मैंने लकड़ी उठाई। साई, मुझे इस अब्दुल ने मजबूर किया है। एक तो पता नहीं कहां से आ गया शिरडी में अचानक, और आते ही मुझसे बराबरी करने लगा, मुझसे बड़ा सेवक बनने की कोशिश करने लगा। साई, साई आपको विश्वास नहीं होगा जो इसने मेरे साथ किया है। भगवान का शुक्र है कि अब काम के प्रति फिर से गंभीर हो गए। सही कहा था अब्दुल भैया ने साई से मदद मांगने के लिए, और देखिए साई ने मदद की। ये मुझसे ईर्ष्या करता है, जलता है मुझसे, इसने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं आपसे दूर हो जाऊं और ये आपके करीब रह सके। भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप दूध के तुले हुए हैं। मैंने क्या किया वो तो बता दिया, आपने जो किया वो क्यों नहीं बताया साई को? साई, मैं बताता हूं इन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ। मुझ जैसे अनाथ पे जुल्म किए इन्होंने। साई, आपने मुझे पनाह दी, मुझे अपनाया, तो इन्हें तकलीफ होने लगी। आपने साई को कहीं देखा क्या? साई, साई तो इस वक्त लेंडी बाग में होंगे। वो कहाँ है? मैं बताता हूं ना, उस दिन इनका असली चेहरा पता चला, और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टे तैश में आ गए। साई,
मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि ये मतलबी इंसान यहाँ से चला जाए। वैसे भी जब आपकी सेवा करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, तो किसी और की क्या जरूरत है? मतलबी मैं नहीं, मतलबी आप हैं। अगर कोई शिरडी छोड़कर जाएगा तो वो आप जाएंगे, क्योंकि आप हार गए हैं। वो इसीलिए क्योंकि तुमने साजिश की है मेरे साथ, छल का सहारा लिया तुमने अब्दुल। साईं, अब आप ही निर्णय कीजिए कि आपका परम सेवक कौन है। हाँ साईं, अब जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। बताइए ना साईं। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो आज इस बात का फैसला हो जाएगा। मैं तुम दोनों को एक एक काम दूंगा और तुम दोनों में से जो भी उसे बेहतर तरीके से करेगा वही मेरा प्रथम सेवक होगा। पता नहीं साईं के मन में क्या चल रहा है। राणो जी, तुम उम्र में बड़े हो इसलिए पहला मौका तुम्हें देता हूं। बताओ, एक सेवक के रूप में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? एक सेवक की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपका ख्याल रखना साईं। आप दिन भर लोगों की सेवा के लिए, भिक्षाटन के लिए शिरडी में पैदल चलते हैं, निश्चित ही आप थक जाते हैं, इसलिए आपके हाथ पैर सर की मालिश करना ताकि आपकी थकान दूर हो, आपको आराम मिले। मेरे हिसाब से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है। ठीक है राणो जी, तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पैरों की मालिश कर दो। वैसे भी अभी शिरडी भ्रमण करके आया हूं, पैरों में कुछ दर्द भी है, देखते हैं कैसे करते हो तुम सेवा। जरूर साईं, आज मैं आपके पैरों की मालिश घी से करूंगा और ज्यादा आराम मिलेगा आपको। मैं अभी घर जाता हूं और आपके लिए घी लेकर आता हूं। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे आप? हाँ, घी चाहिए था मुझे। घी है ना, लेकिन ज्यादा नहीं है। कहाँ है? विठल के पास, उसे भूख लगी थी तो मैंने घी रोटी दे दी खाने के लिए। आप तो चले गए थे, मैं सब्जी भी नहीं ला पाई। अब हम क्या खाएंगे? अब आप यहीं पर रुकिए, मैं बाजार जाकर सामान ले आती हूँ। घी का डिब्बा लेके कहाँ पे जा रहे हैं? विठल खा सके इतना ही घी है उस डिब्बे में, विठल खाना कैसे खाएगा? लाइए दीजिए, ऐसे क्या कोई पिता अपने बच्चे के मुंह का निवाला छीनता है? थोड़ी देर भूखे रहने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मुझे खुद को साईं का परम सेवक सिद्ध करना है, इसलिए घी की जरूरत है। साईं के पैरों की मालिश करनी है घी से। रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, विठल क्या खाएगा? कामिनी! अब देखना तुम लोग साईं की सारी थकान कैसे दूर होती है। मैं इसी तरह से रोज साईं के पैरों की मालिश करता हूं, अब तो मैं इसमें माहिर हो चुका हूं।
चाहिए। सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है। देखो पता नहीं ये क्या घी कहाँ गया। अभी अभी तो इतना सारा घी साई के पैरों पे लगाया था, कहाँ लुप्त हो गया। मैं जानती हूँ ये आप ही का चमत्कार है। घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलख उजियारे दीनों के सहारे। क्या हुआ भाई साहब, बड़े पसीने छूट रहे हैं। आप तो रोज सेवा करते हैं ना, रोज मालिश करते हैं, बहुत जल्दी थक गए। थोड़ा और जोर लगाइए। आज ये थकान सी क्यों लग रही है। हाय, मैं पानी पी लेता हूं। अब्दुल जी साई, राणू जी ने बताया कि सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, अब तुम बताओ तुम्हारे अनुसार सेवक की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, इस पर तुम क्या कहना चाहोगे। मेरे ख्याल से तो अपने मालिक के कामों में हाथ बटाना ही एक सेवक की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप तो सारा दिन दूसरों की मदद करते रहते हैं, अगर मैं इन कामों में आपकी सहायता ना करूं मैं किस काम का सेवक। तुम अपने बच्चे को दिखाने लाई हो ना। जी साईं। साईं ये बहुत चंचल है, एक जगह रुकता ही नहीं है, इधर उधर भागता ही रहता है।
मैं परेशान हो गई हूँ इससे, मेरी मदद कीजिए। अब्दुल। जी साईं। क्या तुम उस बच्चे को मेरे लिए यहाँ ला सकते हो? जी साईं। चलो बेटा। नहीं नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं अंदर नहीं आऊंगा आपके साथ। चलो बेटा, तुम्हें साईं बुला रहे हैं, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। नहीं आऊंगा। तो क्यों जिद कर रहा है, जाओ भैया के साथ जाओ। मैं हार गया साईं, हार गया। मैं भी हार मानता हूं साईं। पर तुम दोनों ही मेरा परम सेवक होने का दावा कर रहे थे, फिर हार कैसे मान सकते हो तुम? खुद को मेरा परम सेवक सिद्ध करने के लिए तुम इतने अंधे, इतने विवेकहीन हो गए, इतने विवेकहीन कि अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा दिया तुमने। एक ऐसी शर्त लगा बैठे जिसने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया। और हद तो तब हो गई राणू जी, जब अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ तुमने अपने काम से भी ध्यान हटा लिया। राणू जी, तुम्हारे घर में किराना नहीं था और यहां द्वारका माई में चावल की बोरी लेकर आए तुम। अपने रोजगार की अनदेखी की, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया तुमने। आज तो अति ही हो गई है राणू जी, बच्चे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया तुमने ताकि तुम मेरे पैरों में मालिश कर सको। कौन सा पिता कर सकता है अपने बच्चों के साथ ऐसा, बताओ? और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि किसी बच्चे को भूखा रख के तुम मुझे खुश कर पाओगे? अगर तुम खुद को मेरा परम सेवक कहते हो तो तुम्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए थी। और तुम शिरडी आने से पहले तुम परिवार के लिए तरसते थे, दुखी रहते थे, अकेलापन महसूस करते थे तुम। और आज यहां शिरडी में जब तुम्हें सब कुछ मिला तो क्या किया तुमने? सब कुछ खोने के लिए शर्त लगा ली, अपना सब कुछ जिसके लिए तुम तरसते थे दांव पर लगा दिया तुमने। तुमने एक बार भी नहीं सोचा? साईं, मैं हमेशा से अकेला रहा था, यहां मुझे एक बहन मिली, अपनापन मिला और आप जैसे रहनुमा मिले, इन्हें मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साईं। मैं उस अकेलेपन की जिंदगी में वापिस नहीं जाना चाहता था साईं। अरे मैंने तो किसी से कहा ही नहीं कि कोई मेरी सेवा करे, मुझे किसी की सेवा की जरूरत है। और रही बात अकेलेपन की, तो वो तो सबकी जिंदगी में होता है। इंसान जब इस संसार में आता है तो अकेला ही होता है। उसके आसपास के परिवेश में, उसके आसपास जो लोग होते हैं, उनसे प्रेम करके ही वो अपनी प्यार भरी जिंदगी बनाता है। अपनी प्रेम की दुनिया बनाता है वो। और मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद भी तुम लोग ये नहीं समझ पाए कि हर समस्या की जड़ ईर्ष्या और जलन है। अगर तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है तो फिर तुम लोग मेरे सेवक कैसे कहला सकते हो? बस
इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे तुमसे, और अगर यहां रहकर तुमने कभी भी कुछ भी सीखा हो तो तुम खुद ये फैसला करो कि तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए। सुनो 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 सुनो, क्योंकि सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा। जो सुनना चाहे उसे भी, जो ना सुनना चाहे उसे भी। ये किसी शहंशाह के आगमन का ऐलान नहीं, न किसी दूसरे मुल्क के राजा के नाम पर होने वाली मुनादी। ये संदेश है अपने जीवन को अद्भुत अनुभव देने का सुनहरा अवसर। जी हाँ, आपके गांव में पहली बार आ रही है रंग मुद्रा नाटक मंडली। संपूर्ण भारतवर्ष में धूम मचाने के बाद हम आपके लिए लाए हैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। राजा नल रानी दमयंती? सही सुना, राजा नल और रानी दमयंती की कहानी। सुनो भाई, इस नाटक में क्या क्या होगा? नाटक में होगा एक राजा और एक रानी और होगी उनकी अमर प्रेम की कहानी। और मंचन ऐसा कि आपको लगेगा कि आपकी आंखों के सामने अभी अभी घटित हो रही हो। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, आप मुझसे बड़े हैं। मुझसे पहले साई की सेवा आप करते थे और मैंने आते ही आपसे वो अधिकार छीन लिए। मेरी ही वजह से आप अपनी सेवा से भटके। ये गुनाह मेरा है, सच में मैं इस काबिल नहीं हूं। तभी तो खुदा ने मुझे इतने सालों से इस खुशी से महरूम रखा, इसलिए मैंने यहां से जाने का फैसला किया है। और बच्चे का ख्याल रखिएगा, और साईं का भी। और हाँ, मेरी बहन लक्ष्मी से कहिए कि वो अपने इस भाई को ना भुलाए, अफसोस रहेगा कि जाते वक्त उससे मिल नहीं पाया। अब्दुल, इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले पर ही छोड़कर जा रहे हो ना? ये काम मुझसे अकेले से नहीं होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, वैसे भी गलती तो हर किसी से होती है, पर हम दोनों की बराबर की गलती है। अगर गलती की वजह से तुम गांव छोड़कर जाओगे तो फिर तो मुझे भी जाना चाहिए ना। सच्चाई ये है कि
मैं अपनी पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कृपा करके रुक जाओ आप तो, कृपा करके रुक जाओ। और वैसे भी ऐसा कौन है जो गलती नहीं करता? अगर सिर्फ गलती करने के लिए लोग गांव छोड़कर जाने लगे तो शिरडी में साईं के अलावा और कोई नहीं बचेगा। क्या तुम मुझे भाई साहब कहते हो ना? तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ बड़े भाई जैसा व्यवहार करूं। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं शिरडी में रहोगे। हम दोनों बारी बारी से साईं की सेवा करेंगे, उनके कामों में उनकी मदद करेंगे। बोलो, मंजूर है? सेवा स्पर्धा नहीं, समर्पण है। सेवा किसी एक व्यक्ति की हो तो वो सेवा नहीं, सेवा का भाव सभी के लिए बराबर होना चाहिए, जिसका आधार भी प्रेम हो और परिणाम भी प्रेम ही हो। सेवा वो है जिसमें किसी की उपेक्षा के लिए कोई स्थान ना हो, बाकी सब तो केवल अपने अहंकार की तुष्टि का, दर्शन का एक साधन मात्र है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अल्लाह मालिक। ऐसे नाटकों के बारे में बहुत सुना है मैंने। जब भी मैं शहर जाता हूँ ना नाच बेचने, तो वहाँ ऐसे नाटक बहुत खेले जाते हैं और लोग बड़े चाव से आते हैं नाटक देखने। मैंने सुना है बहुत मजा आता है ऐसे नाटकों में। पिछले कुछ सालों में शहरों में काफी लोकप्रिय हो गए ऐसे नाटक। अब तो नाटक मंडलियां अपना नाटक लेकर एक गांव से दूसरे गांव में यात्रा करती हैं और किसी पौराणिक कहानी की गीत संगीत और अभिनय के साथ दर्शकों के सामने भावपूर्ण प्रस्तुति करते हैं। ऐसा भी होता है? जीवन में पहला मौका है और शायद आखिरी भी। जिसने नहीं देखा उसने गवाया, और फिर मत कहना हमने नहीं बताया। चलो सारथी, प्रस्थान करो। पंता जी, इन लोग की हिम्मत तो देखिए, यहाँ शिरडी में आके नाटक का ऐलान कर रहे हैं, वो भी सरकार की अनुमति के बिना। हाँ अंता जी, मैं कुछ दिनों के लिए मामा के घर क्या गया, यहाँ के लोगों का दिमाग ही फिर गया है। चलिए। अब मैं बेचैन हो रही हूँ, मुझे भी ये नाटक देखना है, बहुत मजा आता होगा ना? मैं तो कहती हूँ जब भी नाटक मंडली यहाँ शिरडी में आएगी ना, तब हम सब मिलके देखने जाएंगे। हाँ जरूर। हाँ चंपा, बहुत अच्छा विचार है। तुम दोनों भी आओगे ना? नहीं, हम नहीं आएंगे। ऐसे कैसे तुम लोग नहीं आओगे? तुम लोग भी तो हमारे दोस्त हो और हम सब दोस्त साथ मिलकर जाएंगे। नहीं जिबरी, अली ने कहा ना नहीं आना है तो नहीं आना है। ये लो, अब इन्हें क्या हो गया? अली भीमा, सुनो अली भीमा, रुको अली भीमा, अली भीमा रुको ना, अली भीमा। अरे छोड़ो ना, चलो ना, चलो ना भीमा। छोड़ो ना तातिया, क्यों जिद कर रहे हो? कहा ना कोई बात नहीं है, ऐसे जबरदस्ती चाय के पास लाने का क्या मतलब है? चलो चलो। क्या हुआ? साई देखो ना, नाटक की बात सुनकर ये अली और भीमा को क्या हो गया, ये लोग आ ही नहीं रहे हैं। हाँ नाटक। अच्छा बैठा, साई शिरडी में नाटक मंडली आ रही है तो हम सब ने सोचा हम सब साथ मिलकर नाटक देखने जाएंगे। बस तब से ये दोनों मुंह फुलाए हुए हैं,
साई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग बिना बात के आपको परेशान करने के लिए हमें यहाँ लाए हैं। दोस्ती होती ही ऐसी है। इसमें कुछ भी कहने या व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती अली। हो सकता है तुम दोनों ने अपने दोस्तों से कुछ ना कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे हाव भाव देखकर तुम्हारे दोस्त समझ सकते हैं कि तुम किसी परेशानी में हो। दोस्ती कुछ अजीब सा नाता है, बताओ क्या बात है? छोड़ दो, छोड़, श्राप दे दूंगा मैं तुझे, श्राप मुझसे नहीं भगवान के प्रकोप से तो डर पापी धन हो। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आयो? चुप रहे नौटंकी। नौटंकी नहीं अबोध, कलाकार बोल, कलाकार। कुलकर्णी सरकार के सामने खड़ा है तू, अपनी खैरियत चाहता है तो तमी से रहे। अरे किस ब्रह्मांड से पकड़कर लाए हो इस विचित्र प्राणी को? विचित्र प्राणी ही है ये सरकार, ये देखिए, ये देखिए, आपकी शिरडी में, आपकी शिरडी में ये लोग कोई नाटक वाटक करने वाले हैं, वो भी आपके अनुमति के बिना। नाटक करने आए हैं ये शिरडी में? छे 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 छे, इसमें छिची छिची करने वाली बात क्या है सरकार? कलाकार हैं हम लोग, गीत संगीत के द्वारा अभिनय के साथ हम कथाओं की रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं। कलाकार सरकार, कलाकार। हरि ओम। अपने मुंह से कला का नाम लेके उसे अपमानित मत करो। तुम लोग कला को व्यवसाय बनाते हो, व्यवसाय। तुम लोगों से घृणा है मुझे, घृणा। अपने प्रतिभा को धन के लिए, लोगों के मनोरंजन के लिए अपने कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हो तुम लोग। नहीं पिताजी, ये लोग जो कर रहे हैं वैसा लंदन में भी होता है, वहां पर उसको थिएटर कहते हैं। अरे ओम, तुम वहां की बात मत करो केशव, वहां की संस्कृति अलग है, यहां की संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति जिसमें श्रद्धा है, सम्मान है, संगीत हमारे लिए साधना है, आराधना है, पूजा है। हरिओम हरिओम, इस तरह कला का तमाशा बनाना संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। अरे ये लोग तो नष्ट भ्रष्ट करने पे लगे हुए हैं समाज को, मैंने देखा है ना वो नगर में, कला के नाम पे ये भांड लोग दाढ़ी मूछे मुंडवा के औरत बन जाते औरत। आपसे कुछ छुपा नहीं है साई, आप तो जानते हैं इस साल शिरडी में बहुत बारिश हुई है। वैसे तो यार कभी इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस साल भारी बारिश के कारण हम किसानों की फसल बर्बाद हो गई है साई, बहुत नुकसान हुआ है साई, और ऊपर से लगान चुकाने का समय भी आ गया है। साई, मेरा और बीमा का परिवार भी बहुत प्रभावित हुआ है, घर में सब परेशान है कि पूरा साल कैसे कटेगा। हालांकि घर के बुजुर्ग हमें इन चर्चाओं से दूर रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम नादान नहीं है जो समझ ना सके। साई, काश को ऐसा तरीका होता जिससे हम सबकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती। अली, इस साल हमारी भी फसल कम हुई है,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था तुम लोगों का भी इतना बुरा हाल है। पता नहीं साहब, इस साल हम दशहरा दिवाली मना पाएंगे भी या नहीं। इस साल हमारी ईद भी फिकी रही, कुछ नहीं किया। अब फसल बचाते या त्योहार मनाते, ऐसे में नाटक देखना फिजूल का खर्चे नहीं तो और क्या है। इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। भारी बारिश से ना जाने कितने किसानों को कितना नुकसान सहना पड़ा होगा। केवल किसान ही नहीं, ज्यादा बारिश के कारण लोगों के घरों की छतें टूट गई हैं और घरों में पानी घुसने के कारण घरों में पड़ा सामान खराब हो गया है। मवेशियों का नुकसान हुआ वो अलग। साई, ऐसी आपदा तो साल दर साल आती रहती है, कभी सूखा तो कभी बाढ़। प्रकृति पर किसी का वश नहीं है, लेकिन मुसीबत में लोगों की मदद करना तो हमारे वश में है। हम किसी ना किसी तरह दूसरों की मदद कर सकते हैं ना। हाँ साई, वैसे तो तुम्हारे सीख के कारण शिरडी में लोग हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते आए हैं, और चूंकि ये संकट नया है हमारे लिए, इसलिए तुम ही बताओ ना हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम सबने सोच लिया है तो रास्ता भी खुद ब खुद निकल आएगा।